भाजपा सत्ता में क्या आई, देश में बवाल हो गया, कहीं दंगे कहीं बुलडोजर तो कहीं महंगाई। वहीं अब उत्तर प्रदेश में योगी के आ जाने के बाद तो हालात बद से बदतर हो गए हैं। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर मामला गरमाया है। हर तरफ से इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है और वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद में शिवलिंग होने की बात की पुष्टि भी अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन इसी मामले के बीच अब मथुरा में भी ऐसा ही मामला उठ खड़ा हुआ है, जहाँ कृष्ण जन्मस्थली के पास स्थित प्रसिद्ध शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की याचिका सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। साथ ही कोर्ट में दायर इस याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाए जाने और वहां आने जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 1 जुलाई 2022 की तारीख तय कर दी है, जिसे लेकर अब नया हंगामा शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि मथुरा में कुल 13.37 एकड़ जमीन की मालिकाना हक को लेकर सिविल कोर्ट में पहले से ही एक मामले की सुनवाई काफी समय से चल रही है। इस जमीन में से 11 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास और बाकी शाही ईदगाह के पास है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्याय के अध्यक्ष और कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में अर्जी लगाते हुए कहा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद वाराणसी में जिस प्रकार से हिंदू शिवलिंग के अवशेष मिले हैं, उससे स्थिति स्पष्ट हो गई है कि प्रतिवादीगण वहां इसी वजह से शुरू से विरोध करते रहे हैं। उन्होंने याचिका में कहा है कि ये स्थिति श्री कृष्ण जन्मभूमि संपत्ति की है, जो असली गर्भगृह है। वहाँ पर सभी हिंदू धार्मिक अवशेष कमल शेषनाग ओम स्वास्तिक आदि हिंदू धार्मिक चिन्ह व अवशेष हैं। इसमें से कुछ को मिटा दिया गया है और कुछ को प्रतिवादी गण मिटाने के प्रयास में है। इसी स्थिति में अगर हिंदू अवशेषों को मिटा दिया गया तो कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी बदल जाएगा और वाद का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई करते हुए 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे करने की भी बात कही है, जिससे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सके। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निर्धारित समय के अंदर कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण का निस्तारण किया जाए। आपको बता दें कि भाजपा के आने के बाद जितनी तेजी से मंदिरों और मस्जिदों को लेकर कोर्ट में बहस हो रही है, उतनी अगर महंगाई और शिक्षा को लेकर होती तो शायद हमारे देश का हाल ऐसा ना होता जैसा अब हो चुका है। जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उससे तो यही लगता है कि लोग मंदिर मस्जिद करते रहेंगे और भारत देखते ही देखते श्रीलंका बन जाएगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहें MIM News Express के साथ।